आप अपना सर परिचय दीजिए। मेरा नाम शिवशंकर प्रसाद है, मैं बहुजन समाज पार्टी का प्रदेश महासचिव हूँ और मैं आज पूरे प्रदेश को अपने तरफ से नए साल का शुभकामनाएं देता हूँ। साथ ही साथ ये मतलब मकर संक्रांति के भी शुभकामनाएं सारी प्रदेशवासियों को और हमारे बहुजन समाज में जितने भी संतों गुरुओं महात्माओं हैं उनको चरणों में स्पर्श करते हुए मैं सारे प्रदेशवासियों को अपने शुभकामनाएं देता हूं। साथ ही मैं चाहूंगा कि 26 जनवरी का गणतंत्र दिवस पर भी हम सारी प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं देते हैं। हमारे साथ प्रदेश के कुछ हमारे साथी हैं जो विधानसभा के अध्यक्ष दीनबंधु जी हैं, राकेश जी हैं पूर्व महासचिव है और हमारे साथी जो तेंद्रीय के हैं जो रविदास आश्रम में हम लोग ये वक्तव्य दे रहे हैं। हम चाहते हैं कि हमारे तरफ से हमारे पूरे प्रदेशवासियों के साथ से देशवासियों के भी जो बहुजन समाज पार्टी के जितने भी कार्यकर्ता समर्पित भावना से काम के लिए आगे कर रहे हैं, बहन जी की 15 जनवरी 2020 को हम लोग जन्म शताब्दी मनाएंगे उनकी। कहाँ पर सर मनाया जाएगा जन्मदिन? ये यहीं पर बोलूँ, मैं रविदास आश्रम में तेंदुरी विक्रमगंज में मनाने जा रहे हैं। उसमें क्या क्या कार्यक्रम निर्धारित किया गया है? मैं चाह रहा हूँ कि हमारे जो भी गांव के और गरीब लोग हैं उनको हमारे तरफ से या हमारे साथियों की तरफ से कुछ कंबल का वितरण किया जाएगा। अच्छा, तो वो तो मैं इतना नहीं बताऊंगा कि कितना किया जाएगा, लेकिन किया जाएगा और मास लेवल में किया जाएगा। मैं चाहूँगा कि ये पूरी तरह से और हमारे लोग सहयोग भी करें और उनके साथ भी किया जाएगा, साथ ही साथ मैं भी करूँगा। ये सारे प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं के साथ गाँव गाँव को शुभकामनाएं देता हूँ। यही हमारी हार्दिक शुभकामनाएं हैं पूरे देशवासियों को। मैं राकेश कुमार रंजन, काराकाट लोकसभा के प्रभारी बहुजन समाज पार्टी के, मैं बहन जी के सुश्री बहन कुमारी मायावती जी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में आज हम लोग उस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए यहाँ एकत्रित हुए हैं। क्या प्लेस क्या है? ये रविदास आश्रम तेंदुनी चौक विक्रमगंज। 15 जनवरी को हम लोग पूरे धूमधाम से बहन जी का जन्मदिन मनाने के लिए हम लोग पूरी तैयारी में लगे हुए हैं। उसमें हमारे बहुजन समाज पार्टी के तरफ से गरीब गुर्जा को कंबल वितरण किया जाएगा। उसमें हम लोग जो भी दूर दराज से आएंगे उनको भोजन भात हम अपने पार्टी के तरफ से अपने समाज के तरफ से करेंगे और जो भी आज बिहार सरकार के द्वारा दलितों को बेघर किया जा रहा है उस पर भी हम लोग विचार विमर्श करेंगे और सीओ और बीडीओ डीएम साहब से मुलाकात करेंगे और इस पर आग्रह करेंगे कि ऐसा नहीं होना चाहिए और होगा भी तो हम लोग आंदोलन छेड़ेंगे, क्योंकि हम मूल निवासी हैं। हम भारत छोड़कर कहीं जाएंगे नहीं, अपना घर छोड़कर जाएंगे नहीं। इसके लिए मेरी जान भी जाए तो इसके लिए हम लोग बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता तैयार हैं। बेघर होने नहीं देंगे किसी भी जाति के गरीब गुर्जर लोग को। तो मैं मीडिया साहब को आज धन्यवाद देना चाहता हूं कि आज बहुजन समाज पार्टी के तरफ से न्यूज को प्रकाशित करने आए हुए हैं। आपको हमारी पार्टी के तरफ से लाख लाख शुक्रिया अदा करते हुए मैं तमाम प्रदेश बिहार प्रदेश के जनता को आग्रह करूंगा कि आप 15 जनवरी को विक्रमगंज रविदास आश्रम में आकर के बहन जी के जन्मदिन पर भाग लें और बहन जी का आशीर्वाद लें और अपने गरीब गुर्जा को मान सम्मान देने का काम करेंगे। धन्यवाद।